Assalamu alaikum everyone, this is Mahira Khan. If you like this video, please share and comment. And of course, subscribe to Rewind with Samina Pirzada. Assalamualaikum, subah bakhair aur khush aamadeed ek nayi subah mein. Dua aur umeed yahi jahan kahin hain aap zindagi mazay sukoon aur khairiyat ke saath guzar rahi ho. 2018 naya saal jiska ki hum kar chuke hain baqaida aagaaz. Kis kis ne celebrate kiya tha? Bahut khushiyan thi jisko acha. Waah bhai waah, celebrate karne walon ki tadad bahut zyada hai yahan pe. Kya celebrate kiya tha? केक काटा था, कोई घर वालों के साथ मिलके कोई पटाखे वगैरह फोड़े थे, कोई कोई शोर हंगामा किया था, क्या केक कट किया था और सारे कजन्स इकट्ठे हुए थे, बारबेक्यू किया था, बहुत एंजॉय किया था। वेरी गुड। और खुशी किस बात की थी? न्यू ईयर की। न्यू ईयर की, जबरदस्त। और किस किस ने कोई इस तरह की सेलिब्रेशन का एहतमाम किया था? कोई गेट टुगेदर हो रहा हो जहाँ सब लोग आपस में मिलके बैठे हो और हमने सोचा हो कि चलो आपस में कुछ वक्त इकट्ठे गुजारते हैं, नया साल है, कम अज कम नए साल के आगाज पे तो सब लोग इकट्ठे हो। कोई और था? जी जी। अच्छा, आपने क्या किया था? हाँ जी, क्या किया था? मैंने बस सारे फ्रेंड्स को इकट्ठा किया था। ठीक है। और पार्टी की थी, बहुत अच्छी। अच्छा वाह, पार्टी में क्या क्या कुछ था? जी, पार्टी में क्या क्या कुछ था? बारबेक्यू था, केक वगैरह था। हाँ, और इस तरह की चीजें। बारबेक्यू आपने किया था, किसी और ने किया? नहीं, हम सब फ्रेंड्स ने मिलकर किया था। अच्छा, वो कोई है जिसने ये सोचा हो कि यार मेरे से जो लोग नाराज है चलो उनको बना लिया जाए, चलो उनसे माफी मांग ली जाए कि हमें जिंदगी जो है वो एक बड़ा खूबसूरत सा सफर है और जिंदगी के सफर में बाज़ औक़ात हमें पता ही नहीं चलता कि वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है और गुजर जाता है। और होता ही है कि हमसे किसी का दिल दुख गया होता है, हमने चाहते हुए ना चाहते हुए, जाने में अनजाने में, सोच समझ कर या भूल चूक में, हमसे किसी ने किसी का कोई दिल जरूर दुखा होता है। तो वो जरूरी होता है कि ऐसे मौके पर जबकि हम सोच रहे हों कि अच्छा एक नया साल शुरू हो गया, इतना वक्त गुजर गया है और वक्त इतनी तेजी से गुजर गया है, तो ये गुजरता हुआ वक्त एक दिन ऐसा भी होगा जब हमें माजी का हिस्सा बना देगा, जब हम भी एक याद बनकर रह जाएंगे, जब हो सकता है हम खुद ये सूरज देखने के लिए दुनिया में मौजूद ना हो। तो कम से कम उन लोगों से माफी मांग ली जाए जिनके साथ हमसे कोई ज्यादती हो गई हो। सो कोई ऐसा था जिसने ये सोचा हो इस साल में? और अगर अभी तक भी नहीं सोचा तो दूसरा दिन ही है, कोई इतनी देर नहीं हुई। अभी भी अगर हम ये सोचें और ये प्लान करें तो हम बहुत सारा कुछ ऐसा जो कि हमारी जिंदगी में खत्म हो रहा होता है या खत्म हो चुका होता है उसे रिवाइव कर सकते हैं। अच्छा, रेजोल्यूशंस, नया साल है, मैंने ये करना है, मैंने वजन कम करना है, मैंने कोई प्लान्स बनाए? सारे कुछ आप ही ने किए? अच्छा, वेरी गुड। हाँ, झूठ कम बोलना है। झूठ कम बोलना है, यार इससे अच्छा तो रेजोल्यूशन और कोई हो नहीं सकता। ये तो बड़ा प्यारा रेजोल्यूशन है, वाह ये तो कमाल कर दिया आपने, जबरदस्त। अल्लाह करे कि इसे पूरा भी पूरी करनी है। और भी किसी का आपका भी रेजोल्यूशन है? अच्छा, क्या नए साल पे आपने क्या अपने आप से अहद किया है? यही कि सबको माफ कर देना, जिसने भी किसी ने हमारे साथ ज्यादती किया उसको माफ कर देंगे। उसको माफ कर देना, अपने अंदर इतनी ताकत लेकर आनी है कि हर बंदे को आप माफ कर सके और आगे बढ़ सके। वाह, ये भी अच्छा, ये भी मजे का है। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कोई वजन कम करना है, कोई रंग गोरा करना है, कोई बाल लंबे करने हैं, कोई इस साल शादी करनी है, कोई इस तरह के कोई प्लान्स होंगे, कोई इस साल का प्लान इस तरह का होगा। वो तो हाँ जी, मेरा प्लान है साल का कि मैं अपना वेट बहुत ज्यादा कम करूं। कितना कम करूं? 20 kg। 20 kg एक साल में? हाँ जी। अच्छा, ख्वाब बहुत अच्छा है, इरादा बहुत अच्छा है, मगर होगा नहीं, इसलिए कि अगर आप इतना बड़ा सा कोई अपने लिए प्लान कराएंगे ना तो फिर आप मायूस होंगे, आप कहेंगे ये तो हो ही नहीं रहा। थोड़ा बहुत हो जाएगा, 5-6 kg का रखें तो वो ठीक है, 20 kg बहुत ज्यादा। अच्छा, और भी कोई प्लान है किसी का? प्लान है कि मैं भी इतना वजन कम करूंगी। अच्छा। और इंशाल्लाह बीइंग मुसलमान अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे। वेरी, शादी का किसका प्लान है कि बस भाई बहुत देर हो गई है, 2018 काफी हो गया, अब शादी हो जानी चाहिए जल्दी से। सारे जैसे शर्मा रहे हैं ना करके, उसे मुझे लग रहा है हर एक का यही प्लान है कि यार 2018 में शादी हो ही जानी चाहिए। जो भी प्लान आप लोगों ने अपने लिए बनाया है, मेरी दुआ यह है कि अल्लाह ताला उसे पूरा करे और उसे पूरा करने की हमें हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि अगर आप मुझसे पूछे ना कि मेरा प्लान क्या है, तो मेरा प्लान वही है जो पिछले साल था, जो उससे पिछले साल था। इसलिए कि हमारे इतने पेंडिंग चीज़ें चलती रहती हैं, हम सोचते ज़रूर हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाते। इस साल जो भी आपने प्लान किया है आपने उस पर अमल भी करना है। अच्छा, चलते हैं प्रोग्राम की।
की तरफ। और प्रोग्राम में आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे खूबसूरत स्टार से करवाने जा रही हूँ जो बहुत सारी लड़कियों और ख़वातीन को बहुत सारे ड्रामों में बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ मॉडलिंग के तौर पे किया था और आज वो हमारी टेलीविजन स्क्रीन का एक उभरता हुआ चमकता दमकता सितारा हैं। मेरे साथ हैं फरहान मल्ली। मैं भी चाह आप बताइए कैसे। मैं जबरदस्त मजे में। आपने 2018 कैसे शुरू किया था? 2018 मेरा ऐसे शुरू हुआ कि बस सुबह उठा और 2018 आ चुका हुआ था। अच्छा, कुछ पता नहीं चला हमेशा की तरह, लेकिन ये कि एनर्जी काफी हाई थी, पॉजिटिव थी और काफी ज्यादा रेजोल्यूशंस भी बनाई 2017 में। अच्छा, अभी शेयर नहीं करूंगा, अभी नहीं, क्यों? अभी नहीं, क्योंकि एक लॉन्ग लिस्ट है, आराम से कुछ सरप्राइज भी रहने देना इन लोगों के लिए। अरे वाह, इतनी जल्दी से शुरुआत हुई है। लेकिन 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 आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया आपको भी, आपको मुबारक हो। अच्छा, नए साल के प्लान में आपके शादी कहीं है क्या? अभी ये ना कहना आपकी, अभी तो बहुत देर है, अभी तो देखा ही क्या है मैंने। अभी मैंने क्या देखा है, अभी तो कुछ भी नहीं देखा। अच्छा, तो देखना है वाकई। हाँ, अभी तो आपके शो पे आया हूँ, अभी तो स्टार्ट हुआ है ये। लेकिन द गुड थिंग इज के स्टार्ट अच्छा हुआ है, सो लेट्स सी कि कैसा शो जाता है। अच्छे अच्छे चेहरे देखने को मिल रहे हैं और साथ अभी और भी बहुत सारे अच्छे चेहरे देखने को मिलेंगे। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है कि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट मरहला होता है किसी भी शख्स की जिंदगी का, मेक और ब्रेक टाइप का। अगर अच्छा पार्टनर मिल जाए तो जिंदगी संवर जाती है, और अगर ना मिले तो फिर आदमी को आदत हो जाती है ना, फिर वो परेशानियों में उनके साथ लिव करना जो सीख लेता है। हमारी दुआ है फरहान के लिए, जो कि बहुत जबरदस्त से एक्टिंग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कि जैसे ही अपने ड्रामों में नजर आते हैं इनके साथ एक खूबसूरत से हीरोइन होती है, तो इनके साथ एक खूबसूरत से हीरोइन फिट की जाए। okay. हाँ, तो ये ढूंढा जाए कि फरहान का अपना आइडियल क्या है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, वो क्या चीजें पसंद करते हैं, क्या चाहते हैं। तो उसके लिए हम ना आपसे मिलवाएंगे कुछ लड़कियों को, लेकिन एक पर्दे के साथ। Okay, that's nice. और उस पर्दे में आप उन लड़कियों को मिलेंगे। okay. और आप जानेंगे कि उनमें से कौन सी वो है जिसको कि आप पसंद करते हैं ज्यादा। okay. या जिसको आप ज्यादा नंबर देते हैं पर्दे में। खुशामदीद। और ये हैं हमारी तीन बहुत खूबसूरत प्यारी प्यारी सी लड़कियाँ। दिल तो मेरा कर रहा है कि इनके नाम ले लूँ, लेकिन नाम इनके आप जानते होंगे, जिनके नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी सिर्फ ए बी सी हैं। तीनों ए बी सी खवातीन यहाँ पे मौजूद हैं, आपके पीछे ए बी सी बोर्ड मौजूद है। ठीक है, कुछ सवाल मैं इनसे करूंगी, आपने उनके नंबर यहाँ पे लिखते जाना, हर सवाल के नंबर 10 में से हैं। ठीक है, आपने हर एक को नंबर देने हैं, फिर एंड में हम कैलकुलेट करेंगे किसके नंबर ज्यादा हैं। ओके, यू रेडी? कैसी है जी आप लोग? ठीक है, 2018 कैसा है? 2018 अभी तक तो अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है, गुड। चले शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारी लड़की ए, ठीक है, अगर आपके शौहर ने दूसरी शादी की इजाजत मांगी तो आप क्या करेंगी? आपने कहा कि सच्चे सच्चे जवाब देंगे। हाँ। मैं दे दूंगी। आप दे देंगे? हाँ, इसलिए कि मैं सिर्फ एक बात कहूंगी कि मुझे पता ना चले उसके पास कब जाते हो, मुझे पता ना चले उसके साथ कैसे, बस मैं वो डिनाइल में, और क्योंकि प्रैक्टिकली आई हैव सीन ऑल दिस और मैं उसमें भी हूँ, तो मैं उसमें जो है मैंने इस बात को कभी, और मैं बल्कि जो मेरे लोगों को भी कहती हूँ यार कि आदमी के बहुत सारे खाने होते हैं, तो समहो मैं अपने बारे में जो बात कहूंगी, मैं कहूंगी बस मुझे पता ना चले, बाकी आँख हो जल पहाड़ हो जल, मुझे पता ना चले। गलत प्रेसिडेंट सेट कर रही हूँ औरतों के लिए। बहुत सारे शोहरों ने अपनी बीवियों को दिखा के देखो वो भी तो है ना, कितनी अच्छी है, उसकी सोच देखो, उसको फॉलो करो। इसकी लॉजिक है, टाइम नहीं है, वरना इसकी लॉजिक मैं दे सकती हूँ कि मैं क्यों औरतों को कहती हूँ दिल बड़ा करें यार, दिल बड़ा करें। हाँ। ये हमारी लड़की ए है, दिल बड़ा करें, वो इजाजत दे देंगे। ठीक है, आपने नंबर लगाते जाना है साथ साथ। अच्छा, साथ साथ? हाँ, अगर आप बैठे रहे तो फिर तो आप भूल जाएंगे किसके क्या नंबर है। हर सवाल के साथ आपने नंबर लिखते जाना है, लड़की ए के जितने नंबर है 10 में से वो आपने लिख देने हैं, आप उनके जवाब के लिए। अच्छा जी, यही सवाल आपसे लड़की बी,
अगर शौहर दूसरी शादी की इजाजत मांगे तो क्या करें? मैं बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगी, जान से मार दूंगी। किसको, लड़की को? पहले लड़के को मारूंगी, उसके बाद लड़की को। कसूर लड़के का, कसूर लड़के का। जी ये लड़की बी थी, ठीक है फरहान? लड़की बी, वो मार देंगी। अच्छा जी लड़की सी, अगर शोहर दूसरी शादी की इजाजत मांगेगा तो क्या होगा? मैं भी बिल्कुल नहीं दूंगी, बिकॉज जो चीज मेरी है वो बस मेरी है। बी और सी से इजाजत नहीं मिलने वाली है। अच्छा जो चीज मेरी है वो मेरी है, शेयर नहीं, शेयरिंग नहीं बर्दाश्त है किसी भी तरह से। ग्रेट। अच्छा जी अब पहले मैं सवाल लड़की बी से कर रही हूँ, ठीक है फरहान? Okay. सवाल है, अगर आपको पता चल जाए कि उनका अफेयर चल रहा है तो क्या होगा? तो पहले पूछूंगी, अगर सच बोल दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर जासूसी करूंगी, पीछे मारूंगी, चेक करूंगी। और अगर ऐसा मतलब मैं गलत सोच रही हूँ तो माफी मांगूंगी, बता दूंगी कि ये मैं सब कुछ सोच रही थी, ये पता चला था, ठीक है। और अगर वो सच निकलता है तो बस फिर खैर नहीं, फिर खैर नहीं। ओके यही सवाल लड़की ए से, अगर आपको पता चले कि शौहर का अफेयर चल रहा है तो क्या रिएक्शन होगा? अच्छा सबसे पहली बात ये कि फरार कि मैं ये चाहूंगी कि खाम खा तजस्सुस को मना किया गया है, ठीक है, ठीक है ना? तो मैं तो नहीं कोशिश करूंगी कि मुझे ये तकलीफ पहुंचे। मेरा अपना मिजाज है, मैं डिनाइल में रहना पसंद करती हूँ, तो मैं तो नहीं चाहूंगी, मैं प्रोब नहीं करूंगी। हाँ, अगर पता चल जाए तो उसमें तकलीफ तो जरूर होगी ऑब्वियसली। देखिए ना, एक अफेयर और एक शादी, एक जायज रिश्ता रखने में और एक सीक्रेट रिलेशन रखने में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। तो उस पर तो फिर मेरा दिल नहीं मानेगा, तकलीफ में तो आएगा, तकलीफ में आएगा। हाँ। करेंगी क्या? करूंगी क्या? हाँ। कोशिश तो करूंगी कि उसको आराम करूं। जैसे मैं एक बात कहती हूँ कि यार आप इतने अच्छे बनो, अगले बंदे को इतनी स्पेस दो कि उसको किसी और तरफ अट्रैक्शन ही ना जाए, आप अपनी जगह। और कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती जब इंसान दूसरी तरफ इंक्लाइंट हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक मैं अपनी कमी ढूंढूंगी कि मैंने कहां कमी छोड़ी है जो इस बंदे का इंटरेस्ट किसी और तरफ चला गया। आज सारी बात ये लड़की ए थी, लड़की ए, ठीक है। ये अभी अभी जो जवाब दिए लड़की ए ने दिया। अब बारी है लड़की सी की, सेम सवाल, अफेयर चल रहा है शोहर का, आपको उड़ती उड़ती खबर मिली है, क्या करेंगी? मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं बल्कि उसको बोलूंगी हाँ उसको घर पे डिनर पे बुलाओ, इकट्ठे बैठ के डिनर करके। और मतलब इसके पीछे ये रीजन होगी क्योंकि जब मैं उस लड़की को बुलाऊंगी उस लड़की अपने हस्बैंड के साथ अटैच होकर बैठूंगी तो वो लड़की खुद ही जेलस होकर साइड पे हो जाएगी। आप इतनी सियासी हो, गुड, अच्छी बात है। अच्छा जी अब अगर पहले लड़की सी से सवाल हो रहा है, अगर पॉकेट मनी आपकी कम कर दें, खर्चा देना कम कर दें तो क्या करें? लड़ेंगी, चुप हो जाएंगी? नहीं, चुप नहीं होंगी। ऑफ कोर्स अगर पॉकेट मनी कम किया है तो कोई ना कोई उसके पीछे रीजन होगी, मतलब वो इतना उसका इतना बजट नहीं होगा ना, ठीक है, तो उसमें मैनेज करना सीखूंगी। नहीं आप पहले आपको देते थे, अब आपको बताया नहीं है लेकिन अचानक से कम कर दिए और नहीं दे रहे, कुछ रीजन होगी। अच्छा तो फिर उस रीजन को क्या करना है? चुप होना है? नहीं पहले तो पूछूंगी हाँ कोई रीजन है, अगर नहीं बताएंगे तो मतलब ढूंढूंगी कोई रीजन है, अगर नहीं होगी तो ऑफ कोर्स फिर तो फाइट करूंगी कि क्यों की है ना। ओके ये लड़की सी थी, ठीक है। लड़की बी से यही सवाल, पॉकेट मनी कम हो गई है, अब क्या होगा? मैं भी पूछूंगी और मुझे रीजन अगर नहीं पता चलेगी तो वो मैं भी ढूंढने की कोशिश करूंगी और जहां तक हो सका हेल्प भी करने की कोशिश करूंगी और उसके बाद चुप कर जाऊंगी। वेरी गुड, फायदा क्या हुआ? ये भी चुप कर जाएंगी। अब लड़की अब ये ना कहिएगा मैं ये सोचूंगी वो आज भी मुझे ढेर सारे पैसे देता है। देखिए फरा, जब कहा गया है कि मियां बीवी एक गाड़ी के दो पहिए हैं और अगर उसकी कोई वाकई को जेनुअन मजबूरी है, जेनुअन अगर है तो फिर तो उसके साथ कॉपरेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो जानबूझ की ज्यादती कर रहा है तो ये तो कहा गया है कि औरत का हक है कि उसको
खर्चा मियाँ की जानिब से मिले, लड़ के लेंगी, खामोशी की मार देंगी, थोड़ा सा तो लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे, थोड़ा सा तो एटीट्यूड करना पड़ेगा कि जो है जो अपना हक लेने के लिए, बच्चा भी जब तक ना रोए माँ दूध नहीं देती है, तो थोड़ा सा रोना तो पड़ेगा उसमें। वो कह रही है लड़ के भी अपना हक जो है वो लूंगी। अच्छा, आपकी नंद को आपने खाने पे बुलाया था, लड़की ए से सवाल हो रहा है, पहले नंद को खाने पे बुलाया था बड़े प्यार से, सारा दिन आपने खप खप के उसके लिए खाना बनाया था न्यू ईयर का। वो आई, उसने कहा ये चावलों में तो पानी ज्यादा डल गया, ये चावल बिल्कुल बैठ गए और नमक ज्यादा है, उसे बिल्कुल भी कोई चीज पसंद नहीं आई, अब क्या होगा, क्या करेंगी? अच्छा, आपने कहा कि मैं कुछ सियासी स्टेटमेंट नहीं दे रही, जो मेरा मिजाज है मैं वही कह रही हूँ। बिल्कुल, मैं बेवजह उलझती नहीं लोगों के साथ। हाँ, मतलब कोई गलत कह रहे हैं तो ठीक है यार, चुप कर जाओ कि हाँ गलत हो गया होगा, मेरा तो ये मिजाज है, मैं बेवजह लोगों के साथ आर्गुमेंट करने से मेरी जान जाती उसने है। उसने लोगों के सामने आपको बेइज्जत किया है, मतलब खानदान देखो है तो नंद है ना, कि भाभी आपको पता नहीं चला चावलों में इतना पानी डाल दिया है, है तो फरा नंद है, मैंने कभी ससुराल वालों से लड़ाई की ही नहीं है। फरहान जो है वो बड़े गौर से सबकी बातें सुन रहे हैं। अच्छा, यही सवाल लड़की बी से, नंद को आपने इतने प्यार से दावत पे बुलाया कि बेइज्जती करके चली गई है, वो कह रही खाना बनाया आपने। सबसे पहले तो ये बताऊंगी, अभी 10 दिन हुए शायद मेरी शादी को, तो नंद मेरी बहुत अच्छी है। नहीं, हम यहाँ पे पर्सनल उस पे नहीं जा रहे। अच्छा, नहीं जा रहे, ठीक है। हमारी कोई शादी वादी नहीं हुई है। तो फिर मैं थोड़ा सा सुनाऊंगी, पहले तो सबको पता है कि मैं खाना पकाना नहीं आता, तो मैं किचन में चली गई हूँ, तो यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इसलिए उसने तनकीद की है, तो आपने लड़ पड़ी है कि चुप करके खा लो, नहीं तो नहीं तो बहुत बुरा होने वाला है, चुप करके खा लो। ये मियां के सामने ही कह देंगी कि खाना है तो खाओ वरना जाओ यहाँ से। नहीं, जाओ तो नहीं बोलूंगी, फिर तो बस घूरी डालूंगी उसको कि चुप करके खा लो। अरे घूरी नहीं तो ये मैं आगे उठा लूंगी। वो रही नंद आपकी, ठीक है, जरा घूरी डाल के उसको चुप कराएं। कैसे चुप कराएंगी? ये तो कोई घूरी ना हो, ये लड़की बी थी जो घूरी डाल के उसको है ना चुप कराएंगी। लड़की सी, मैं उसे बोलूंगी चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं अच्छा लगा तो बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। हाँ, ठीक, ये भी अच्छी अप्रोच है। क्या बात है, बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। ये लड़की सी थी। फरहान, वैसे अभी तक की जो बातें चल रही है उसमें आपको क्या लग रहा है कि कौन सी वाली लड़की कुछ आपकी आइडियल से मिलती जुलती है? कोई आइडियल है अभी? मेरे ख्याल से इतनी जल्दी मैं जजमेंट नहीं दूंगा अभी। अच्छा? Just give me some time, लेकिन अभी मैं सुन रहा हूँ बहुत गौर से, ठीक है, और I am just giving them numbers, ठीक है, so behind the scene है। हाँ? अभी basically आपको पता चल ही जाएगा मेरी स्कोरिंग से कि क्या आप है? क्या सोचते हैं? क्या चाहते हैं? तो मैं कोई वो नहीं करना चाह रहा कि वो अपनी सोच बदल देंगे अगर मैं किसी एक पे स्पेसिफिक कर दूं तो। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, शादी के बाद वो उनका तो मुश्तरका खानदानी निजाम है, इकट्ठे रहते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, आप उसी में रहेंगी या अलहदा घर लेंगी? पहले लड़की बी, लड़की बी से सवाल है पहले। मैं एक साथ रहना पसंद करूंगी। आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही रहेंगी? जी। लड़की सी, मैं भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहूंगी, बिकॉज जब तक आपके साथ कोई बड़े ना हो ना तो मजा नहीं आता, मजा नहीं आता। सामने जी, लड़की ए पाकिस्तान का, मैं तो कहती हूँ हमारे इस साइड का ये हुस्न है कि एक जॉइंट फैमिली की बड़ी अपनी बरकतें होती हैं, लेकिन अगर जॉइंट फैमिली के अंदर आपको बस स्पेस जरूर मिले, एक अपने रहने की स्पेस होनी चाहिए उसमें, अगर वो नहीं है, अगर वो नहीं है तो देखो प्रॉब्लम्स तो छोटे मोटे होंगे कि फिर अपने ऊपर सफोकेशन तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये अलहदा घर मांगेंगी? ख्वाहिश तो अलहदा घर की होगी। ये ए का जवाब था कि ख्वाहिश तो अलहदा घर की होगी। ओके, बाकी बी और सी का सेम था, बी एंड सी का सेम था। वो कह रहे थे हम तो जॉइंट फैमिली। ये बेसिकली जॉइंट फैमिली को क्या ले रहे हैं, उसमें क्या है, चाचे सब कुछ है उसमें, या जस्ट उसमें सिर्फ मॉम डैड और वो है? नहीं नहीं नहीं, उसमें देवर है, जेठानियां हैं, ओके एवरीवन इज नंदे हैं, सास हैं, ससुर हैं, नहीं 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 होता है इतना कुछ नहीं, सिर्फ मामा पापा और अगर कोई अनमैरिड है तो वो आ जाए, बाकी इतनी लड़की सी ने बयान बदल लिया। वो कह रही है
इतने लंबा चौड़ा नहीं चाहिए मेरे खाता। अगर अम्मा अब्बा साथ रह रहे हैं उसको ज्वाइंट फैमिली मानती है वो, लेकिन वो जो देवर, अच्छा तो ये जो रहते थे सारे लोग इकट्ठे, ये कौन है? ये मेरे बड़े जेठ है, ये कौन है? ये उनसे छोटे जेठ है, ये कौन है? मेरे छोटे देवर है, ये कौन है? उनसे छोटे देवर है, ये कौन है? नंद है। तो ये वो सिस्टम नहीं चलेगा? नहीं, मतलब डिपेंड करता है, अगर वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, मतलब अगर एक स्टेटमेंट दो ना, ये रहोगी अलहदा कर लो। नहीं, मैं रहूंगी साथ ही, ये कंफर्म है, बट मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए ना, मतलब कोई आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस ना हो, लेकिन होने चाहिए, बड़े साथ होने चाहिए, बड़े में मामा पापा आते हैं, ठीक है, सिर्फ मामा पापा, मामा पापा आते हैं, बड़े में सिर्फ मामा पापा आते हैं वहाँ तक, ठीक है। अच्छा जी, सास जो है बहुत जालिम है और बहुत सताती है, अब क्या करेंगे? क्या सास की शिकायत करेंगी शोहर को, या फिर चुपचाप सहती रहेंगी, या उनसे लड़ाई करेंगी? लड़की ए, नहीं, शिकायत तो देखिए मियाँ को नॉलेज में जरूर होना चाहिए, लेकिन शिकायत करेंगी, हाँ, बाज़ दफ़ा मियाँ बड़े मजबूर हो जाते हैं, ज़ाहिर है माँ के आगे कुछ बहुत केसेस हैं जो माँ के आगे गुस्ताखी नहीं कर सकते, ठीक है, तो शिकायत तो कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, लेकिन मियाँ के नॉलेज में जरूर दूंगी कि ये ज्यादती हो, ठीक है। आप क्या करेंगी? लड़की भी शिकायत करूंगी, ये ए थी, ठीक है, आप क्या करेंगी? लड़ने भी शिकायत करूंगी, खुद से नहीं लड़ूंगी, लड़ेंगी नहीं, जवाब नहीं देंगी, उनके जुल्म का रास्ता नहीं रोकेंगी। आप भी लड़की सी? नहीं, मैं शिकायत भी नहीं करूंगी, फाइट भी नहीं करूंगी, बट ये कि उनको किसी अच्छी तरह डील करूंगी, अदरवाइज कोई बात नहीं, जो बुजुर्ग होते हैं ना उस एज में आके हो जाते हैं ऐसे। और दूसरा, अगर आपने मेके जाना है, लड़की सी के जवाब हो गया, लास्ट ये हो गया, हाँ, वो कह रही है मैं अच्छी तरह से उसे डील करूंगी, वैसे पता नहीं कैसे अच्छी तरह से डील करेंगे, लेकिन करेंगी। अच्छा, वो आपको मेके नहीं लेके जाते, उनके तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम्हें जाना खुद ही चले जाओ, फिर क्या करोगी? लड़की सी, ये तो गलत बात है, अगर मैं उसके लिए इतना कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ, मतलब उसकी मामा मेरे साथ इस तरह कर रही है और मैं नहीं बता रही, सब कुछ खुद डील कर रही हूँ, तो उसको लेके जाना चाहिए मुझे? मैं नहीं लेके जा रहा, अभी चाहिए ना चाहिए, फिर ये मेरा राइट है, इस पे मैं फाइट करूंगी, इस पे आप लड़ेंगे, हाँ, कि मुझे लेके जाओ, मुझे लेके जाओ। लड़की सी लड़ेगी भाई, वो कहेगी मुझे लेके जाओ, ये क्यों नहीं है कि आप मुझे मेरी अम्मा की तरफ लेके नहीं जा रही? जी, लड़की भी पे हर किसी का फाइट करना बनता है, कोई भी लड़की है तो कोई रोक नहीं सकता इस तरह अपने पेरेंट्स से मिलने से, तो मैं भी फाइट करूंगी। आप भी फाइट करेंगी, झगड़ा करेंगी? झगड़ा नहीं, नाराज होकर अम्मा के पास चली जाएंगी? नहीं नहीं, इस तरह नहीं, समझाने की कोशिश करूंगी कि देखो आप भी अपने मामा पापा के साथ रहते हो, मुझे भी उनकी इतनी जरूरत है अपने माँ बाप की, ठीक है, तो अगर नहीं कुछ भी होता है, नहीं मानते, तो फिर मैं अपनी मामा को फोन करूंगी, मामा मुझे आके मिल जाए या मुझे आकर ले जाए थोड़ी देर के लिए मिलके, फिर वापस। ये लड़की बी थी, बी, ठीक है। अच्छा जी, लड़की ए की क्या स्टेटमेंट है? देखिए, मैं इस पे रिएक्शन तो बनता है मियाँ के साथ, लेकिन सपोजिंगली अगर वो फिर भी बज़द है कि वो नहीं जाता, ठीक है, तो इजाजत दे दे कि आपको मिलने से ना रोके, तो ये इजाजत मांगूंगी, ठीक है, भले आप नहीं जाओ, लेकिन मुझे तो जाने दो ना, मुझे स्पेस दे दो, डन। अच्छा, शौहर, शौहर अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं बताता है आपको, पासवर्ड नहीं बताएगा वो, भले आप कुछ कर ले, वो पासवर्ड बताने की याद घर की। अब क्या होगा? मैं नहीं मांगूंगी। आप नहीं मांगेंगी? नहीं। फिर क्या करेंगी? मैं नहीं मांगूंगी, मैंने कहा ना मेरा मिजाज नहीं है प्रूव करना, मेरा मिजाज नहीं है तो नहीं देता तो ना दे, वॉशरूम में जाके फोन सुनता है तो सुनता रहे, वो आपको ये कहे मैं दफ्तर जा रहा हूँ बहुत जरूरी काम के साथ, तो आप कहेंगे जाओ? सच्ची बात है कि मैं ऐसी सिचुएशन से गुजरी भी हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैंने कभी, मैं तो कहती हूँ मेरे कान तक आए ना क्या हो रहा है पर्दे के पीछे। आप पहले जमाने में कहीं कबूतर तो नहीं थी? बिल्ली को देख के आंखें अपने बारे में कहती हूँ ये, वो कहते नहीं बिल्ली तो नहीं आ रही, बिल्ली तो है ही यार, सही आपने मुझे असेस किया, मैं अपने बारे में कहती हूँ मैं वाकई वो कबूतर हूँ जो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेते, मैं वाकई वो कबूतर। सही, लड़की एक कबूतर है, ठीक है, तो लड़की बी आप क्या करी? मोबाइल का पासवर्ड नहीं दे रहे वो, एक दफा आपने निकाल भी लिया था, पता भी लगा लिया था, उन्होंने चेंज कर दिया, तो फिर दाल भी काला है कुछ, तो उसके ऊपर फिर रिएक्ट करना बनता है। क्या रिएक्शन होगा, क्या होगा? पहले प्यार से मांगूंगी, फिर चोरी चोरी देखने की कोशिश करूंगी, अगर फिर भी नहीं पता चलता तो फिर लड़ाई करके कि क्या ऐसा क्या है मोबाइल में जो मुझे नहीं दिखा रहे हो। बिल्कुल सही, मतलब ये कच्चे कच्चे तरीकों से मोबाइल का पासवर्ड लेने, दैट वाज बी। या लड़की सी,
नहीं मैं पासवर्ड नहीं मांगूंगी और ट्राई भी नहीं करूंगी देखने की, उसको स्पेस दूंगी, आप जो कर रहे हो करो, इट्स ओके, नो इशू, नो इशू, कि जो मर्जी करते रहो, नो इशू, आई एम लीस्ट बॉदर्ड। अच्छा मुझे नईम ने बताया, बताता है कि बीवियां बड़ी तेज हो गई हैं आजकल, अगर आप फोन को ऐसे ही रख देना तो ऐसे करके लाइट में देख लेती हैं कि आप पैटर्न लगा हुआ है पासवर्ड का, तो अब तो हमें फोन जो है ना उसे साफ करके रखना पड़ता है ताकि बेगम को पता ना चले कि पैटर्न कौन सा लगा हुआ है ना। सो ब्रेक लेंगे एक यहाँ पे और आपने स्कोरिंग कर ली है अपनी फरहान। सो क्या ख्याल है आपका वैसे ए बी सी के बारे में अभी तक? नंबर देखे बगैर आपने तीन सवाल सुने हैं, उनके जवाब सुने हैं, तो क्या लग रहा है? मुझे लगता है इस तरफ कैमरे की तरफ। ओके मेरे ख्याल से अगर मैं अपने व्यूज दूं सबके बारे में तो जो ए है बेसिकली वो मुझे थोड़ी सी जरा सेफ प्लेयर लगती है, यू नो शी इज अ सेफ प्लेयर और आई थिंक She's a safe player, that's why उनकी सारी की सारी choices वो कबूतर और बिल्ली टाइप सी हैं, क्योंकि they don't want to risk anything, वो उस point पे है, she's not a risk taker. देख ले, okay? क्या सितारों का हाल बताया है? जो B है basically, उनके views अच्छे हैं, लेकिन वो बीच में कहीं कहीं confused भी हैं, ठीक है? और वो भी कोई mid अभी exploring phase में है, ठीक है? ठीक है। और C? और C is the smartest one. Among us. अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। She knows the ABC actually. She knows the ABC. Okay. मुझे तो हैरत ये है कि you know the ABC. Okay. हमने तो जस्ट सुना इसको बयान कर दिया। हालांकि देखने में तो छोटे से लगते हो मगर अंदर से बहुत पक्के छुपे रिश्ते में भाई फरहान जो है, तो फरहान के लिए तालियां, हम देख लेंगे और ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं वापस साथ में। खुश आमदी जनाब, आज हम आपको मिलवा रहे हैं फरहान मल्ली से, और फरहान जो है वो अपनी ख्वाबों की शहजादी, अपनी दुल्हन, अपनी जिंदगी का जो भी इनका एक आइडियल है वो हमारे साथ अपने नंबर्स में शेयर कर रहे हैं कि किस किस्म की होगी वो खातून जो के इनके कई ख्यालों में रहती है। कोई रहती है शायद, शायद, शायद। मतलब शायद सेकंड। अच्छा फरहान मल्ली क्यों साथ लगाया? मतलब बड़ा देसी सा नाम है। ये देसी ही है बेसिकली और ये सब कास्ट है जट्टों की, पता है मुझे, और इसलिए ये मल्ली है। लेकिन लोग नहीं लगाते ना शोबिज में, जब आते हैं तो वो तो कोई खान लगा लेते हैं, कोई कुछ और लगा लेते हैं साथ। नहीं मुझे इसका कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, आई एम रियली प्राउड ऑफ और मैं इसको हमेशा साथ रखना ही चाहूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक है और एक अलग पहचान देता है आपको, ठीक है? और मुझे कोई ऐसा नाम नहीं चाहिए जबकि आपके पास अपना एक नाम है। ओके आई विल बी ओके। सो जट्टों का लड़का है जी। अच्छा और वो कहते हैं कि जट्टों के दिल की जो चाबी है वो उनके पेट के थ्रू होती है, मुझे लग रहा है मुझे स्मेल आ रही, कुछ बनने जा रहा है। अच्छा ये सही कहते हैं? हाँ जी सही है, सही है। जट इतने नॉन रोमांटिक होते हैं। अच्छा यहाँ पर अब आपके लिए जरा खाना पीना जो है उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। हमने टास्क दिया है ए बी और सी को कि आपके लिए एक शानदार सा पराठा होना चाहिए, एक बहुत अच्छा सा ऑमलेट होना चाहिए और एक कड़क सी चाय होनी चाहिए। कड़क चाय चलेगी कि दूध पत्ती चलेगी? कड़क चाय चलेगी। कड़क चाय, कड़क चाय। सो कड़क चाय होगी, ऑमलेट होगा और साथ उसके पराठा होगा। अभी टेस्ट उनके मर्जी के मुताबिक, ठीक है? कितना जरूरी है कि उसको खाना बनाना आता? मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी है, बातों से भी ज्यादा जरूरी है कि उसको खाना बनाना आना चाहिए। वो कहते हैं कि रोटी अगर गोल हो तो लड़की परफेक्ट है, मैं कहता हूँ अंडा भी उसका परफेक्ट होना चाहिए क्योंकि रोजाना खाना होता है। okay, तो ये बड़ा एक बड़ा इम्तिहान है इनका। आपको लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो चल रहा है? मेरे ख्याल से क्योंकि आई एम रियली हंग्री तो आई थिंक, ठीक है, वक्त की नजाकत के हिसाब से तो मेरे ख्याल से अब यही है। गुड, इट कुड बी अ गेम चेंजर फॉर देम। सही, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे चल क्या रहा है, एक नजर में जरा देख लूं। लड़की ए जो है उसने अपना ऑमलेट डालने की तैयारियां कर ली है, फरहान बस थोड़ी देर में ऑमलेट जो है उनका तैयार हो जाएगा और कड़क सी चाय भी उन्होंने बनने के लिए रख दी है, अभी पराठा नहीं शुरू किया जबकि बाकी लोग तो अभी बहुत पीछे हैं भाई। बाकी लोगों ने तो अभी ना ऑमलेट ना चाय ना पराठा कुछ भी नहीं।
सो इसमें तो हमें लग रहा है कि लड़की ए जो है वो किसी को पास नहीं लगने देंगी अपनी। भाई इसमें टाइमिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जरा ये स्लो वाला काम नहीं चलेगा यहाँ पे। स्लो वाला नहीं चलेगा, सुनिए आपने, बिल्कुल इसलिए टाइम कम है ना। नाश्ता फौरन चाहिए, नाश्ता फौरन चाहिए, इंतजार नहीं करना है। वो तो सब बना लेते हैं लेकिन पॉइंट्स इस चीज के हैं कौन जल्दी और अच्छा बना के लाता है। आप बना लेते हैं? कभी कभी, कभी कभी। अच्छा ये हमारे पास पाकिस्तान की बहुत खूबसूरत सी खूबसूरत तरीन हीरोइंस हैं, ठीक है? Okay. आपने बताना इन सब खूबसूरत तरीन हीरोइंस में से वो कौन है जो सबसे खूबसूरत है? सबसे खूबसूरत है? हाँ। अच्छा। ब्यूटी क्वीन का टाइटल जो है अगर आपने देना हो तो आप इनमें से किसको देंगे? सबा और उष्णा के साथ तो मैं काम कर चुका हूँ, I have seen them, so मैं इनको नहीं दूंगा। मैं इनको दूंगा इन्हीं में से, क्योंकि बाकी सबसे मैं मिला हूं, लेकिन आई थिंक सबा इज रियली ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउटसाइड, शी इज रियली ब्यूटीफुल पर्सन एज़ अ। सो सबा को मिलेगा ब्यूटी क्वीन का टाइटल? यस। सही। अच्छा आप इन सब में से आपने इंटेलिजेंट लेडी का ब्यूटी विद ब्रेन का टाइटल देना है, वो किसको देंगे? माशाल्लाह से ये सारी बहुत स्मार्ट है और ब्यूटी विद ब्रेन है, लेकिन अगर आप एक चारी है इनमें से चुनना तो जो आपको लगता हो, मेरे ख्याल से ब्यूटी विद ब्रेन, ब्यूटी विद ब्रेन अब मायरा खान, आई विल गो विद मायरा खान। मायरा खान को गया है टाइटल। अच्छा किसको आप देंगे बेस्ट ड्रेस सिलेक्शन का, कि सबसे अच्छा ड्रेस सेंस 7 का? ओके ये इन पिक्चर्स को देखते हुए? नहीं नहीं नहीं, अदरवाइज हम सब इनको जानते हैं, पाकिस्तान के बहुत नामवर लोग और चेहरे, तो किसको बेस्ट ड्रेस सेंस आपने उन्हें हमेशा इन्हीं अच्छे ड्रेस में देखा हो, जिनकी आप ड्रेस सेंस को एडमायर करते हो? माशाल्लाह से सारी बहुत अच्छी ड्रेसिंग करती हैं, और लेकिन अगर आप एक का नाम जानना चाह रही हैं तो टफ क्वेश्चन है बहुत। आपको कैसे ड्रेसेस अच्छे लगते हैं? मेरे ख्याल से तब भी मायरा खान ही है, तब भी मायरा खान ही है। She is very stylish since the days she was used to be a VJ. वो तब से बहुत stylish है। तो मैं देखता रहा हूँ, इसलिए इस बेस पे ये पॉइंट उनको दे। बाकी सब की अब तो है, मैंने देखे बहुत अच्छी उनकी ड्रेसिंग है, लेकिन तब भी उनकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो आप तब से देखते आ रहे हैं? Obviously, obviously. Great. तो आप खुद तो अभी इतने बड़े नहीं लगते कि आप तब से देखते आ रहे हैं। बस ये तो अल्लाह का शुक्र है। ये अल्लाह का शुक्र है, ग्रेट। अच्छा जी यहाँ पे कहाँ तक पहुँचे हैं किचन के हालात? हमें जल्दी जल्दी नाश्ता जो है वो सर्व करना है। अब इस स्मेल से मेरी भूख और तेज हो गई है। बिल्कुल सही, लेकिन एक कुछ पकने की नहीं, कुछ जलने की स्मेल है। हाँ तो यहाँ पे अंडा ये जो किस, है कहाँ से आ रही है, कौन से सेक्शन से? ये अभी कुछ पता नहीं चला, मिली जुला रुझान है हर तरफ से। मैंने ये चौक उठा लिया है नंबर देने के लिए, जहाँ से भी आ रही है जलने की बताएं फौरन। सही। तो अब यहाँ पर हमने ऑमलेट तकरीबन सबका तैयार है सिवाय लड़की बी के। ऑमलेट नहीं बनाना? अच्छा तो ये और वो चूल्हा आपका है ना, इनको ये वाला चूल्हा दे दें। इसको मैं किससे? क्या कहते हैं, ठाकुर अपने हाथ मुझे दे दे। सो ये वाला चूल्हा आपका है, इस पे आप बनाएंगी। ओके आ जाए जल्दी से, थोड़ा सा चूल्हा कंफ्यूजन हुई है। चूल्हा कंफ्यूजन ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है जब दो तीन खवातीन हो और चूल्हा जो है उसको शेयर करना हो तो वहाँ बड़ा मसला बनता है। ठीक है, ऑमलेट हमने पराठा बनाना है, किसका पराठा शानदार होगा, किसकी चाय कड़क होगी, किसका ऑमलेट मजे का होगा, इस पे होगा फैसला। आप इतना स्लो क्यों हो? क्योंकि मुझसे चीजें मैनेज नहीं हो। कौन कौन स्लो कौन है? ये नहीं बताना, लड़की। सही। अच्छा जी कितनी देर? ट्रे मिल सकती है? ट्रे नहीं, आप मुझे देंगी जो ट्रे बनाएंगी, मैं वहाँ पे पहुँचाऊंगी। नहीं मैं पहुँचाऊंगी। अच्छा। क्योंकि आप लोग तो पर्दे में है ना, तो क्या क्या कुछ बन गया? बस ये सर डिटेलिंग के काफी पॉइंट्स है, जरा ध्यान से अंडे को इतना हल्का नहीं लेना। सर रखे यहाँ पे चिमटा नहीं मिल सकता? चिमटा होगा नीचे रखा होगा, कहाँ है भाई चिमटा? मैं आपका ले रही हूँ, ठीक है ना? उनके प्यारे प्यारे से हाथ बनाकर वो जल गए तो हम क्या करेंगे? थोड़ी सी डन डन जी, वाह वाह वाह, ये क्या हो रहा है? वो
ऑयल भी अच्छा होता है ना, तो ऑयल थोड़ा सा शक्कर चाय भी बना। सो लड़की ए का नाश्ता बिल्कुल तैयार है, टेबल बहुत आगे लगा दिया है भाई लोगों, पीछे लेकर आओगे। चले परा जी, मैंने चाय में चीनी नहीं डाली, मेरे मियाँ को वो कॉन्शियस है, ये चीनी ले जाइए। आपको कैसे पता है कि वो कॉन्शियस है? नहीं, मैं अपने अपने घर वाले की बात कर। अच्छा चाय भी बन गई, चाय भी बन गई, मेरी चाय भी बन गई, मेरा भी रेडी है। आपके रेडी है सब कुछ? कहाँ है ये देखिए ना, मुझे सबके बर्तन खाली होने के बाद बीच में बनाना पड़ रहा है, तो फिर मैं क्या करूँगा। ये आपका अपना वो है, ये पराठा। ये लड़की एक चीनी सबके लिए कॉमन। ओके ठीक है। और ये चाय, ये चाय लड़की की कड़क चाय है, ये कड़क चाय है लड़की सी की। ओके ओके ठीक है। सो अब ये लड़की सी का नाश्ता आ रहा है आपके पास, ठीक है। ये आ गया पराठा, ओके, ये ऑमलेट और ये चाय। ये सी है, ये सी है, वो लड़की ए। ओके ओके, तीनों आ जा रहे थे, मैं फिर इकट्ठा इसको रेटिंग करूंगा। लड़की बी का तो अभी खासा लेट है भाई सब कुछ। बी जल्दी कीजिए। सो पराठा जो है जीप में आपके सिर्फ ये अंडा हाइल है, तो लड़की बी का हमें सिर्फ पराठा ही मिलेगा। पराठा चाय चाय थोड़ी बाद में पी लीजिएगा। ये बाद में नाश्ता करने के बाद अच्छी लगती है ना चाय, तो सल्ली से नाश्ता करें। पर काफी चूल्हा कंफ्यूजन का सामना करना पड़ा इनको। हाँ। लेकिन अब फिलहाल यही है, अब रेट करें आप तो। ये ए ए बी सी बी बेचारी को कुछ टाइम दे देते हैं, कुछ चाय बना नहीं है वो, आ जाए वो तो सिर्फ पराठा दे दे के गुजारा करवाएगी। ये गरम गरम दे रहे हो ना आपको खाना, इसलिए आप बेफिक्र हैं वो आ रही। आप जब तक देखो तो सही, ये आपका खाना गरम गरम आ रहा है, तैयार है उसका उसका ध्यान उसी पराठे की तरफ है जो पूरा नहीं। अच्छा फरहान, मतलब कैसा होना चाहिए जो पराठा आपको पसंद है, उसकी कुछ शान बयान करें, कुछ तारीफ। शान बयान, ये थोड़ा हलवा पूरी लग रहा है मुझे, वो टाइप सा, वो जो पूड़ियाँ होती हैं, ठीक है। ये अच्छा बना है, लेकिन ये जो चूल्हा कंफ्यूजन थी मेरे ख्याल से ये गोल के सबसे, ये गोल वैसे है लेकिन ये ब्रस्ट हो गया, ये करीब करीब। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आपने ऑमलेट चखना है। ओके ऑमलेट चखते हैं कि हाउ इज ऑमलेट, और कौन सा ऑमलेट जो है वो सबसे, लड़की ए का आप चख रहे हैं अभी, ठीक है। और चाय में चीनी नहीं डाली है, तो भी पता चलेगा कितने का लगे, ठीक है। चाय 20 चख लें आप, और नंबर इनके लिख दें वहां पे उठ के, ठीक है, ताकि फिर हम लड़की बी की चीजों को चेक करने की तरफ है। ओके ये क्या लग रहा है कड़वी वाली गोली खिलाई है, वो बड़ी मुश्किल से जो नहीं अंदर जाती है, कड़क है। नहीं नहीं कड़क है, बहुत कड़क है, सही। चलो नंबर लिखे वहां पे, कितने नंबर है लड़की ए के, दे दो भाई। ये देखें मैं गरम गरम दे रही हूँ आपको, बिल्कुल सही, इतना भी गरम गरम नहीं चाहिए। चले आग बंद करें इसके नीचे से, गुड। चाय गई रास्ते में है। नंबर कितने? अच्छा अब आपने अपना अपना अपने अपने उसको एक्सप्लेन करना है कि आपने उनके लिए जो बनाया है वो क्या है, क्यों बनाया है, कैसे है वगैरह वगैरह, ठीक है ठीक है। ये लड़की बी का ऑमलेट आ गया, आप फिलहाल इसी पे शुक्र अदा करें कि आपको ऑमलेट और पराठा मिल गया। ओके थैंक यू बी। अब इसको चख के बताएं। ओके तो उनकी चाय फिर मतलब लंच में आएगी, चाय लंच में आएगी, ये गैस पीसेस में है। आज गैस की वो शॉपिंग में आते हैं, पराठा नाश्ते में और फिर लंच में अंडा और फिर रात में चाय। वो कह रही है गैस का मारी, गैस की लोड शेडिंग, बाकी सबके लिए ये ठीक थी, एक आपके लिए लोड शेडिंग। ये नो मियो गुस्से में नाश्ता छोड़ के निकल जाए जल्दी कर। चले बॉइल होगी, कैसा है चख के बताना है। बात सुनो, भेज दो अंदर जाके पक जाएगी। हाँ ये भी ठीक है, सही कह, समझ आया। पर हम उनकी चाय भेज रहे हैं, अंदर जाके खुद ही पक जाएगी दूध और पत्ती। मैं इनको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले नंबर दे दो। हाँ नंबर दे दे, ठीक है। चाय बन गई, हाँ चीनी उधर, चीनी उधर ही है, बिल्कुल सही। सो फाइनली आ जाएं जी, लड़की सी दूसरे नंबर पे इनका नाश्ता आया था। ओके और सारी तीनों चीजें इकट्ठी आई, ठीक है।
ये लड़की सी, ये उनकी चाय आ गई, ये लड़की बी. फरहान से बड़े क्रिटिकल है ना, उसको चारों एंगल से. आई एम वेरी क्रिटिकल अबाउट फूड. वेरी वेरी क्रिटिकल, क्योंकि वो उसका उसका बनाने का तरीका सब बता देता है आपको, बातों से भी ज्यादा. अच्छा, खाना बनाने का पैटर्न सब बताता. वाह, क्या बताता है खाना बनाने का पैटर्न? मतलब अभी ये एक ही लास्ट कर ले, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या ये देख के क्या था बेसिकली. ठीक है, चलें. ये लड़की सी, जल्दी से आप इसको रखेंगे और फिर आप नंबर देंगे और फिर आप हमें बताएंगे जो आपके दिल पे गुजरी. ठीक है, लड़की सी, आपने अपने नाश्ते को एक्सप्लेन करें. मैंने बस बना दिया, टाइम कम था, मुझे तो ये भी नहीं पता कैसे बना, लेकिन बस बना दिया. ठीक है, कैसा है? चाय चखिए और नंबर दें जल्दी से, क्योंकि फरहान हमने ब्रेक पे जाना है. सो वील बी क्विक. This is coffee. This is coffee. This is sweet. ये आपने एक कॉफी बनाई है कि चाय बनाई है, लड़की सी? थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है. नहीं, चाय थी. उन्होंने कड़क मांगी थी, तो उसका कसूर थोड़ी हुआ फरहान. चाय उन्होंने कड़क मांगी थी. चाय है, नंबर दे दें. अच्छा, और मैं यहाँ पे ब्रेक लेती हूँ. ब्रेक के बाद हम आएंगे वापस और कुछ और चीजें जो हमने आपके साथ शेयर करनी है. फरहान मली आज हमारे साथ है और हम उनकी 2018 में जो उनके ख्वाब हैं, जो इनकी ख्वाबों की शहजादी है, उसके जाते हैं. अच्छा, फर्ज किया ये गाना हो और आप हीरो हो, तो आप इस पे कैसे परफॉर्म करेंगे? अंडा जो खाया है ना, उसके बाद इनमें से एक अंडा ऐसा था जिसमें नमक बहुत ज्यादा था. अच्छा, आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म, सो लेट्स जस्ट गेट बैक टू द टास्क. ओके, टास्क अब ये है कि आपने देखे कितनी अभी तारीफें और बदतारीफें की थी. नहीं नहीं नहीं, मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन ये पता है यहाँ पे पूरी सास बने हुए कि इसमें ये है तो उसमें वो नहीं, है नहीं, तो इस, इसमें ये है. ये सिर्फ बेहतरी के लिए है, ये बेहतरी के लिए पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव. अच्छा, तो अब हम चाहते हैं कि आखिर उनका भी तो जिंदगी पे कोई हक है ना. कभी आप भी बीमार हो सकती हैं, या आपका भी दिल चाह सकता है कि मियां जो हैं या शौहर जो है या आपका साथी जो है वो आपके लिए कुछ बनाए. तो फरहान जो है उसमें कितनी टैलेंट है इस चीज का? आप तो कह रहे थे ना हमारे दिल का रास्ता हमारे मैदे से गुजर के जाता है, तो अगर आपकी पार्टनर का भी यही कोई सूरत हाल हो तो फिर क्या हाल हो? नहीं, उसको थोड़ा हमने डाइट पे रखा हुआ है, वो थोड़ा कम खाए बेहतर है. चलिए शुरू करेंगे. आप भी पराठा बनाएंगे, ऑमलेट बनाएंगे और चाय बनाएंगे. ओके, और आपके लिए भी टाइम है और आप मुझे गाइड करेंगी. मैं कर रही हूँ, चलिए शुरू करें. लेट्स स्टार्ट. पहले आके चूल्हा जला दो. चूल्हा कंफ्यूजन हो सकती है, अभी से हो रही है. नहीं, चूल्हा कंफ्यूजन नहीं है आपके पास, तो आप थोड़ा पीछे हो जाएं ताकि मैं चूल्हा आपको ऑन कर दें और हम जल्दी से बनाना शुरू करें. ऑमलेट में आप अंडे में जो जो कुछ आपको पसंद है वो सारा कुछ डालें एज पर योर टेस्ट. ठीक है, डालें और फिर उसको फ्राई करने में मैं आपकी हेल्प करता हूँ. डन, चले चीजें उठाएं. फरहान आ जाए जल्दी से. फाइनली टूट गया. ऐसा लगता है आपने कभी अंडा नहीं तोड़ा. तोड़ा है, लेकिन मैं जरा हल्का जा रहा था अंडे पे. अच्छा, ठीक है. सो अब क्या होने लगा है? उसमें कुछ डलेगा ऑमलेट में? अभी हम ऐसे ही बनाते हैं, इसको देखते हैं हल्का सा, इसको गर्म कर लें. ठीक है, तो इसमें अभी सिर्फ तेल डाला है. जस्ट हल्का सा. हल्का सा, दैट्स इट. ठीक है, कुछ और भी डालने वाला है? अभी इस पे देख लेते हैं कुछ डालना है तो. जितने आप आराम आराम से कर रहे हैं मुझे लगता है आपका नाश्ता तो लंच पे ही मिलेगा किसी को. ये क्या होने लगा? मैं देख रहा हूँ कि क्या डालूं इसमें. अच्छा, वैसे मैं नॉर्मली जब घर पे अंडा खाता हूँ तो उसमें कुछ भी नहीं डालता. वेरी स्मार्ट. मैं नमक भी नहीं डालता, मिर्च भी नहीं डालता. वेरी स्मार्ट. और ऐसे ही बना देता हूँ. चले ठीक है, डालने बनाए लेकिन घोल के.
नहीं 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 ये कौन सा अंडा है घोल के बनता है जिसमें नमक भी नहीं डलता और मिर्च भी नहीं डलती मिक्सर नहीं है यहाँ पे कोई नहीं इसी को जरा जोर से आप फेंटेंगे तो वो हो जाएगा बहुत भीट जर्दी है ये अच्छा कौन सी मुर्गी थी क्या उसका मसला है अच्छा इसमें नमक भी नहीं डलेगा इसमें कुछ भी नहीं डालेगा ओके डन इसके ऊपर हम डालेंगे फिर कुछ ठीक है अगर काला नमक होता है या कुछ इस तरह ठीक है चले डालें हो गया मिक्स फरहान हो गया ओके हां मुझे लगता है फरहान ने कभी नाश्ता नहीं बनाया लगता है आपको फरहान ने कभी नाश्ता बनाया फरहान कभी नाश्ता बनाया किसी के लिए मैंने नाश्ता बनाया है वाकई किसके लिए अभी ये बना रहा हूँ ना आप लोगों के लिए इससे पहले हाँ इससे पहले पता नहीं शायद याद नहीं है अच्छा चलें आप ये मैं इसको छोड़ दें अंडे की जान छोड़ दें इसमें डालेंगे आप पत्ती ओके ताकि आपकी चाय जो है वो तैयार हो जाए कितनी पत्ती डलेगी इसमें कितना दूध डाला भाई एक कप चलो फिर इसमें कड़क डालते हैं कड़क ठीक है पराठा बनाएंगे आप फौरन ठीक है आ जाइए पराठा बनाते हैं पराठा हाँ। बनाते हैं भूल ही गया पराठा भी है ओके इसको ये, निकाल ये आटा है ओके और इसको कहाँ यहीं पे रोल डाउन करना है हाँ यहीं पे रोल डाउन करना है ठीक है बाकी चीजें मैं आपको हेल्प कर देती हूँ खवातीन आप बिल्कुल कोई हेल्प और कुछ तो बोलो सारे देख रहे हैं कि क्या बनाएगा ये अच्छा लड़की ए लड़की कोई फरमाइश लिस्ट है वो तो ऑब्वियसली हो रहा है लेकिन कोई और नहीं खा सकता सच्ची और खरी ऑडियंस है अच्छा लड़की फरा जी मैं कहना चाहूंगी कि देखिए आदमी कितना सेल्फ सेंटर्ड होता है जो खुद खाते हैं वो चाहते हैं उनका पार्टनर भी खाए हमने वो बनाया जो मियां शौक से खाएगा ये देखिए आप बोले फरहान जी मेरी बोलती बंद हो चुकी है सो मैं किसे बोलूं मैं एग्री करता हूँ ये ए थी हाँ ये ए हाँ जी ए मैं आपसे एग्री करता हूँ अच्छा फरमाइश लिस्ट जो है वो बताना शुरू करेंगे आप लोग लड़की ए जी जी क्या पसंद है क्या होना चाहिए उसमें जो कि आपका नाश्ते में अच्छा ये कभी भी आप पेंट कोट पहन के कभी पराठे मत बनाइएगा आपके खाना आसान है और बनाना मुश्किल है बातें करना आसान है भाई ये पाकिस्तान में बातें कर दी जिन्हें पूछे ना आप नहीं होता खाते हैं और अच्छा और हम खाते हैं और बातें करते हैं पराठा की शक्ल देखें वाह वाह अभी एक रोटी की गोलाई पे कितने हमें तरीके बता रहे थे ये रोटी थोड़ी सी कम गोल है इधर ये अरे मुझे क्या पता था मेरी बारी आने वाली है इसके बाद पता होता तो नहीं करता पलटी मार ली आप लोगों ने अच्छा अब क्या होगा अब वो अच्छे थे मैं वापस लेता हूँ सारे अच्छा किसी किसी को अगर आपने सिखाना हो ना तो फिर उसको उसी काम में डाल दो ये बन रहा है बन रहा है देखे तो सही थोड़ा सा वक्त दीजिए मैं सिर्फ एक बात भी कहूँ आप औरतों को सैल्यूट है मैं कहती हूँ मर्दों को एक दिन आपकी ड्यूटी करनी पड़े मर्द फेल हो जाएंगे लड़की ए ने क्या समझदारी की बात की है उन्होंने कहा है कि जितनी ख्वातीन खिदमत करती हैं मर्दों की अगर एक दिन किसी मर्द को करनी पड़े ना तो फेल हो जाए वो कर ही नहीं सकता देखें मर्द का काम है काम करना पैसे अच्छा, कमाना पैसे कमाना अगर वो कमा रहा है तो वो अपना काम कर रहा है पैसे कमा के ला के बीवी को देना ये काम है बिल्कुल अब खाली पैसे कमाना काम नहीं है ला के उसको देना भी काम है नहीं बेशक बेशक है ना ये तो है अब क्या हो रहा है ये पराठा बन रहा है बन रहा है अच्छा मुझे दे दो मैं इसको निकाल सकूंगा स्ट्रेनर दे दो चाय निकाल दो क्या बात है इस पराठे क्या बात है पाकिस्तान के नक्शे से कितना मिलता है नहीं ये ये कौन सा पराठा है जिसपे तेल नहीं लगेगा घी नहीं लगेगा ये डाइटिंग वाला पराठा है ये न्यू रेसिपी अगर आप में से किसी ने सीखनी है तो बिल्कुल सही डन ऑयल का इस्तेमाल कम से कम हेल्थ के लिए अच्छा मैं आपकी ऑमलेट पे क्या डालूं इस पे आप डाल दें क्या डाल सही नहीं यहाँ पे
खाली काली नमक डाल, ये ना डाले बस ऐसे ही देखते हैं, खाली नमक भी नहीं, नमक भी ना डाले। जिस बेचारे ने चखना है उसका क्या कसूर है? उसी को मैं यही चाह रहा हूँ ना, वो अच्छे से चखे। चलें रखें आप भी अपना पराठा। पराठा रोटी, रोटी नमा पराठा बन गया मेरा। एक सेकंड, नहीं ये ना रोटी है ना पराठा है, ये कोई अपनी टाइप है। दिखाएं पहले कैमरे को, दिखाएं। वाह 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 वाह, क्या शानदार पराठा है फरहान। टूट गया। आपने बनाए इतना कमाल है कि क्या बात है फरहान। अच्छा अगर ये आपको खाना पड़े, आपने भी मेरी कोई हेल्प नहीं की, मैंने कहा शायद आपने खड़े होकर सिर्फ मेरे कीड़े निकाले हैं और तो कौन हुई सास ज्यादा। अच्छा अगर आपको खुद ही नाश्ता खाना पड़े तो खा लेंगे? हाँ तब कर लूंगा, जब खुद बनाया होगा। अच्छा चले आप बैठे, मैं ये जरा ना लड़कियों को दिखा के आती, साफ सारे घर से होके आ रही। अच्छा जी ये बनाया है इन्होंने नाश्ता, अब आप लोग इसे चख के फैसला करें आपको मंजूर है। देखो बात सुनो, चखने से पहले आंखें साफ, चखने से पहले ये सोच लेना मैं बाहर से भी अच्छा ऑर्डर करवा सकता हूँ, इस पे मत जाएं। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे हीरो को कोई अच्छी लड़की मिलेगी, क्योंकि जो है नाश्ते का हाल देखे, जो खुद खाते कितनी तनकीद हमने सुनी है कि जी वो देखिए वहाँ पे सारे, हाँ कोई मतलब ये नहीं नजर आया जो मैं बना रहा था यहाँ पे, इतनी मोटी नजर, कोई बेचारी डर के खाने की हिम्मत नहीं कर रही। वो देखिए ना इतनी मोटी कच्ची रोटी, इतनी मोटी कौन खा सकता है। अच्छा फरा चाय बेहतर है, चाय बेहतर है ठीक है, और अंडे के नाम पे अल्लाह जाने क्या चीज है, समझ नहीं आ रही है। ये सब मुर्गी का कसूर है। अच्छा आप फरहान फेल हो गए। अच्छा अब चलते हैं आगे, आप लोगों ने अपनी विश लिस्ट बतानी है, ठीक है क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। चले अपनी डिमांड लिस्ट है वो आपने शेयर कर दी। फरहान आपने गौर से सुनना है, पहले लड़की ये जी। अच्छा फरहान पहले जो चीजें चलेंगी है ना, चलेंगी जो चाहिए। मुझे तो एक्सप्रेसिव खावन चाहिए, एक्सप्रेसिव चाहिए भाई। चाहे लव है चाहे हेट है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना ताकि ऑनेस्टी हो। लव नहीं आता उसको, वो खाली हेट एक्सप्रेस करता रहे चलेगा। देखिए आप फैसला ये हमारे यहाँ अक्सर मियां जो है इस मामले में बड़े खुले एक्सप्रेसिव होते हैं। नहीं बास लोग गुस्सा अंदर दबा के बैठ जाते हैं, उसको निकालते नहीं है। ये है ये लड़की ये है। ए से कहें कि आप फैसला कर लीजिए, या तो कबूतर बन के वो जो होता है या तो फिर एक्सप्रेसिव वाला कर लें। एक तरफ ही इन्होंने कहा कि वो जो करे मुझे ना बताए, दूसरी तरफ कहती है एक्सप्रेसिव भी हो। नहीं ठीक है तो ये क्या बात नहीं, नहीं ये मेरे साथ फीलिंग्स में वो तो मैंने कहा अगर किसी और से प्यार करते मुझे ना बताए, मुझे पता ना चले, ठीक है। लेकिन आपके साथ फीलिंग्स में खुल के साथ एक्सप्रेस करें ना। अच्छा नंबर एक, अच्छा नंबर एक। दूसरी बात ये कि जो है लविंग तो हर औरत मांगती है, ठीक है रिस्पॉन्स। और सबसे पहली बात जो थी वो भूल गई मैं फराजी, रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आदमी रिस्पॉन्सिबल हो, औरत मैं कहती हूँ कि आप उसके ऊपर जो मर्जी ढा दे वो बर्दाश्त कर जाती है। अगर आदमी औरत की हक तल्फी नहीं कर रहा, उसके साथ उसकी उसके हकूक अदा कर रहा है, आदमी का जिम्मेदार होना सबसे बड़ी खूबी। और फरा जो नहीं चलेगा, जो नहीं चलेगा फरा झूठ नहीं बर्दाश्त, झूठ नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर झूठ बोल दिया तो क्या होगा? देखो जो है वो मैं कहती हूँ सच बोल के जान ले ले, झूठ ना बोले आके जो बोल दिया फिर क्या होगा। देखो अगर प्यार है औरत को, औरत बड़े कॉम्प्रोमाइजेस कर जाती है, लेकिन झूठ जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं अंदर आपके रिजेंटमेंट पैदा करता है, झूठ नहीं फिर आप रिबेलियस हो जाते हैं। थप्पड़ थप्पड़ नहीं मारेंगी आप, जो फिल्मों में होता है ड्रामों में होता है एक थप्पड़ आता है ठाश। नहीं देखो अगर वो हाथ उठाएगा तो ये ज्यादती होगी। नहीं नहीं आप उठाएंगी, उसने झूठ बोला है, उसने झूठ बोला। हाँ एक सूरत में उठेगा अगर उसका उठेगा तो। अच्छा हाँ फिर हाथ उठेगा, ठीक है ठीक है ना। और अगर लंबा हुआ तो पलंग पे चढ़ के भी मारूंगी। फरहान को डर लग रहा है, कह रहा है गुस्सा ना चढ़ाई जाए कहीं हाथ उठ ही ना जाए। अच्छा बस ठीक है विशेष बस मेरी ये लड़की ये थी, इनके नंबर लगा लें जिनकी डिमांड्स आपने उसको कैसे रेट करते हैं अपनी कंपैटिबिलिटी में। लड़की बी जैसे लड़की ए ने बोला बेसिक डिमांड्स तो यही होती हैं कि मैं भी यही बोलूंगी कि मतलब अगर अच्छाई हम बताई जाए ना कि ये चीजें उसमें हो तो वो ये है कि क्या भूल गए बहुत सारी चीजें मसलन क्या है चलो। अच्छा
शॉपिंग कराए वीक में एक दफा शॉपिंग कराए कितने की, कितने हजार की? वो नहीं है कि मतलब इतने हजार की हो चाहे। अच्छा मैं नईम का एक और फॉर्मूला आपको बताती हूँ। नईम कहता है 25 रुपए में भी बेगम को राजी किया जा सकता है, कोई शक नहीं। आई एग्री विद नईम। तो 25 रुपए की वीकली शॉपिंग चलेगी? ये कौन कह रहा है? ये लड़की बी है। ये 25 रुपए पर? हाँ। किसने बोला? नहीं, हमारे जो पैनल प्रोड्यूसर है। अच्छा वो 25 वो कहते हैं 25 भाई किधर है ये नईम साहब, जरा उनसे कुछ सेटिंग तो रखें। नहीं मगर ये 25 कभी कभी चलते हैं। नहीं नईम को किस्मत से बहुत अच्छा 30 मिल गया, इसलिए उसके भुगतों में सारे नहीं जा। अच्छा नंबर एक शॉपिंग कराएगा हफ्ते में, नंबर दो उसके साथ मुझे मूवी भी देखनी होती है, उसके साथ पहले मूवी फिर शॉपिंग या पहले शॉपिंग ओके उसके बाद डिनर, वीक में एक दफा बाहर जाना, वीक में एक दफा ये होना चाहिए भी सारा कुछ। और जी उसके अलावा बाकी क्या नहीं चलेगा? क्या नहीं चलेगा? झूठ बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती और जो झूठ बोलता है मेरा दिल चाहता है उसका गलत उसका गला दबा दूं। सही। और सबके सामने डांट नहीं चलेगी, सबके सामने नहीं डांटना, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। अकेले में डांटे, अकेले में लड़ाई करें, डांटे कुछ भी हो, सबके सामने डांट नहीं चलेगी। ओके डन। और कुछ नहीं, बस यही, बस ये लड़की बी थी, लड़की सी क्या चाहिए है? टाइम वक्त चाहिए भाई आपका, फरहान मल्ली साहब, वक्त चाहिए उन्हें लड़की सी को। और मतलब जो मेरा टाइम है वो मेरा टाइम होगा, उसमें नो फोन कॉल्स, नो कुछ भी नहीं होना चाहिए। अम्मा ने बुला लिया तो डिपेंड करता है, मतलब अम्मा के सीन में कुछ नहीं कह सकते, फिर अम्मा अम्मा होती है यार। अम्मा तो बुलाएंगी फिर बार बार, अम्मा को तो फिर क्या होगा, तो कोई बात नहीं। अच्छा अम्मा भी कोई बात नहीं, हालांकि मसला होना अम्मा पर ही है जाकर। अच्छा फिर और मुझे उसका टाइम चाहिए और फीलिंग्स चाहिए। टाइम चाहिए, फीलिंग्स चाहिए, पैसा वैसा नहीं हो तभी चलेगा? नहीं मतलब ये तो कहते बिल्कुल भी ना हो तो वो झूठ होता है, ठीक ये है? तो बिल्कुल कितना को मतलब इतना हो कि हम हैप्पी रह सके। कितने में हैप्पी रहेंगी आप? मतलब हाँ। एक केराल के घर में रहेंगी, 10 मरले के घर में रहेंगी? यार गाड़ी पिजारो होनी चाहिए या एफएक्स भी चलेगी? नहीं वो तो देखें जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ, जो उनका घर होगा उसी में रह रहे हैं, गाड़ी ऑलरेडी जो उसके पास है उसी में रह रहे हैं, तो इसलिए नो डिमांड्स, बस टाइम होना चाहिए। टाइम होना चाहिए बस, ये लड़की सी का काम। ये जो सारी तीनों लड़कियां हैं जिस तरह से इन्होंने अभी बताया कि ये सारी अपने ये हाउस वाइफ है सारी, कोई काम काज कुछ नहीं है इनका, है तो ये खतरनाक है बहुत, मतलब ऐसी मेरे ख्याल से आपको चाहिए काम काज नहीं। मेरे ख्याल से मेरी अपनी एक सोच है कि आपको उसकी पैशन को मतलब मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो भी किसी जगह पे काम करे, क्योंकि एक औरत जो घर में सिर्फ यही काम करती है ना वो भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है, इसमें उसका कसूर नहीं है बेसिकली। यानी फरहान साहब जो है वो एक वर्किंग खातून लेकर आएंगे बेशक, ठीक है। अच्छा जी ब्रेक लेंगे, यहाँ पे ब्रेक के बाद फिर मुलाकात। ठीक है तो फरहान मल्ली आज हमारे मेहमान है, हमारे प्यारे से हीरो और हमारे अपकमिंग राइजिंग स्टार, जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको बहुत सारी जगहों पे नजर आने वाले हैं। लव लेटर लिख रहे हैं इस वक्त, और ये लव लेटर जो है वो जल्दी लिखना है, सोच रहा हूँ लव लेटर के लिए टाइम नहीं है। अच्छा कभी नहीं लिखा जिंदगी में? नहीं लिखा लव लेटर, ओल्ड स्कूल है तरीका, लेकिन कभी लिखा ही नहीं, आज लिख रहे हैं, देखते हैं। आज लिख रहे हैं और यहाँ पे लव लेटर मुकम्मल हो गया है, वेरी गुड। इसको आप करके फेंकेंगी लड़के को, साथ वाला लड़का जो है वो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आपने ना उसके लिए रुका लिख के तो फेंके, रुका ऐसे थोड़ी फेंकते हैं, ऐसे तो रुका पता जहाज में ना ये वाले रुके की तो थ्रो ही नहीं होती। सामिया जी जिंदगी में कुछ काम करके सीखने होते हैं ना, थ्रो के लिए ये वाला रुका चलता है ना, ये यूं करके जाना। तो जैसे आप उसकी पर्दे बना रही हैं वो तो जाएगा ही नहीं कहीं भी। ए जी सुनते हो? उसकी अम्मा ने सुन लेना है। वो, वो। लड़की ए। ए से कहेंगे कैच। ए। अब आप लव लेटर पढ़े ना, वो तो मैंने डेमो दिया था। अच्छा जी डेमो था। हाँ डेमो दिया था। वाओ, अब इसको पढ़ के सुनाए हमें, आखिर उन्होंने आपके लिए मोहब्बत नामा लिखा है। अब आप पढ़े ऊंचा ऊंचा उन्होंने क्या लिखा है। लड़की बी एंड सी आपके कहाँ लव लेटर, तो फेंकेंगे ना आप भी। अच्छा ठहर जाए, अब आप अपना लिखना खत्म कर देंगे, बाद में फेंकेंगे। चलें परान क्या लिखा है। माय डियर लव, एक्चुअली आई हेट गुडबाइज, सो कैन नॉट सी यू गोइंग अवे,
will wait till you back in my life. Only yours. मुझे अपनी चादर में यूं ढांप लो, मुझे अपनी चादर में यूं ढांप लो, ज़मीन आसमां कुछ दिखाई ना दे. Don't go away. Don't go away. लड़की ये नंबर लगा दे वहाँ पे. कितने नंबर है उनके? ठीक है ठीक है. सो अब क्या बात है, ये जा तो कहीं नहीं रहे थे अभी वैसे. मेरी फीलिंग थी मेरी जिंदगी में कुछ टिकता नहीं है. तो आपने अभी तक सारे दरवाजे बंद करके ताले नहीं लगाए? यार अब आने ही नहीं देना किसी को, जिस कम वक्त में जाना ही है उसको बुला के क्या करना. बुलाई दरवाजे बंद है, अब रास्ता बंद है. लड़की भी आ दे. मेरा लव लेटर काफी, आपका लव लेटर लंबा है, दूसरा लव लेटर आ रहा है. सो अब ये लव लेटर आपने पढ़ना है, ठीक है. और ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं फरहान, ये लव लेटर आया है ठीक है. आप छत पर आए और आपने ऐसे एक्ट करके उठाना है गली में, कि गली में आते जाते लोगों को पता ना चले चिट्ठी आई है. हाँ कि चिट्ठी आई है. ओके गेट इट. सो गली में लव लेटर पड़ा है, ये दोबारा कोई इसको दोबारा फेंके, दोबारा करते हैं ठीक है. वो फेंकेगी अभी ठीक है, क्योंकि आप उसको आवाज लगाओगे कि मैं आ गया हूँ, लव लेटर फेंको ठीक है. चलो नॉक नॉक. ध्यान से उठाने के उठाने में और नॉक नॉक. की हो रहा है पुत्र? की हो रहा है? कुछ नहीं बस वॉक वॉक. चाचा जी वॉक वॉक गेट अंदर ठीक है. से ठीक चले. वो मुझे याद आया कि मुर्गी थोड़ी बीमार है, तो चाचा जी माजरस के साथ उसका इलाज चल रहा है. ये दवाई मेरे तबीयत तो मेरी भी बड़ी खराब है चाचा जी. थोड़ी सी मुझे भी देता हूँ, मीठी गोलियां नहीं है डॉक्टर से कोई गल नहीं, मैं भी कड़वी खा लूंगा. ये वाली ले ले दवाई, कुछ और ले ले. अच्छा चलो लव लेटर पढ़ो चाचा जी. तो अच्छा क्या लिखा हुआ है? तीसरा लव लेटर तैयार है ना यहाँ पे ठीक है. ये क्या लिखा है? ओके जी. ओहो इतना लंबा. हाँ जी ये इंग्लिश और सामने अंग्रेजी में लिखा है यार, क्या बात है. चले प्यारे मोहन. प्यारे मोहन. मैं कुछ ऐड भी करता हूँ थोड़ा स्पाइस बनाने के लिए. मतलब लेटर वाज जस्ट अ सिंपल बट ओके. मुझे आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा. ये उर्दू में लिखा है? हाँ जी ये इंग्लिश में उर्दू लिखी. ओह अच्छा रोमन लिखी भी है, क्या बात है. सही. मुझे आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा. मुझे ऐसा लगा कि अगर हम एक साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लें तो कभी पटाना है प्यारे. ये खुद ही पढ़ के आपको सुना. खुद ही पढ़ के असल में ना मार्कर अच्छा नहीं था ऐसे तो पढ़ के सुना. अगर राइटिंग का मसला आता रहा तो फिर मैं चाचा जी को ज्यादा देर हैंडल नहीं कर सकता हर रोज. मतलब राइटिंग पे वर्क करो यार. मुझे आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा. मुझे ऐसा लगा कि अगर हम एक साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करें तो कभी पछताना नहीं पड़ेगा. पछताना और मैं आप मेरा अपना खुद से और मैं आपको हमेशा ऐसे ही प्यार करती रहूंगी. कल रात जब आप गली में आकर खड़े हुए थे तो आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही थी और हेयर स्टाइल की तो हेयर स्टाइल तो बहुत ही कमाल था. अच्छा पापा आ गए हैं, फिर बात करूंगी. क्या बात है भाई. तीसरा लव लेटर ऐसे ही पढ़ने आप. हाँ, बड़ा कमाल लव लेटर लिखा ये है. कौन था ये? क्या लड़की बी बी. अच्छा हाँ, मुझे लगता है क्या मुझे ठीक लगता है. अच्छा चलें जी लड़की सी. डियर फरहान, आई जस्ट से यू, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो. योर वे ऑफ टॉकिंग वाज नाइस एंड द एंड वाज नाइस एंड द एंड हाँ द एंड जी.
ये आपने वो सिक लीव लिखी है कि लव लेटर लिखा है? डियर टीचर आई कैन नॉट कम बिकॉज आई वॉज सिक. थैंक यू वेरी मच. मुझे बहुत अच्छे लगते हो. योर वे ऑफ टॉकिंग वॉज नाइस. योर्स के आगे सवालिया निशान भी है. लिख दो योर्स डियर सिस्टर. ये सवाल ये निशान उसने फिल करना है कि योर्स नहीं, मतलब इस लड़की को उसे पता ही नहीं है कि पता ही नहीं है ना कौन है. ओके, लड़की सी. लव लेटर के नंबर लगा लिए. नंबरों में हम तल्फी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो सब देखें इतना आपके लिए चीजें लिख रही हैं, कर रही हैं, तो आखिर नंबर सबको. लड़की सी का लव लेटर अभी हमने पढ़ा है. अच्छा, मैंने सबके लगाने हैं नंबर. ठीक है, लड़की बी का लव लेटर जो है सबसे एलैबोरेट था. लड़की ए का लव लेटर जो है वो फियर फोबिया था. ओह सॉरी, गलत नंबर लग गया. लड़की ए का. ठीक है, डन. नहीं नहीं, थोड़ा सा गलत लग गया. चलो कोई नहीं, जाने दो. हाँ, लड़की ए के भी लगा ले. ठीक है, और लड़की सी के भी नंबर ठीक लगा रहे हैं ये? नहीं, ए के पहले लगा लिए थे इन्होंने नंबर. देख ले, हमारी ऑडियंस देख रही है. सर, एक नंबर हम काट देते हैं यहाँ से. अच्छा, अब आपने ये करना है कि ये आपके पास ना कुछ नाम है. okay. आपने कैमरे को दिखाना है कि ये क्या है. okay. और आपने इस लफ्ज को एक्सप्लेन करना है उन्हें अपने अल्फाज में. हाँ, ताकि वो समझ जाए कि आपने क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, लड़कियों, तीनों लड़कियों, अब आपने देखना है कि आप उनकी बात कैसे इशारों में समझ लेती हैं. ठीक है, कुछ घरेलू, कुछ आम रोजमर्रा चीजें हैं जो वो आपको बताएंगे और आपने गेस करना है कि वो क्या चीज है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं. चलिए जी, पहली चीज क्या है? बजर. हाँ, बजर है आप लोगों के पास. जो बजर पहले बजाएगा वो जवाब देगा. जी, औरतों का दोस्त. औरतों का दोस्त. पहले ए ने बजाई. आगे तो सुन लो. दोस्तियां क्यों पाली हैं? सुन लो. बुज़बुज़, एक सेकंड रुक जाओ. गंदगी का दुश्मन. औरतों का दोस्त गंदगी का दुश्मन. जी, गंदगी का दुश्मन तो सेफगार्ड है. गंदगी का दुश्मन. अच्छा, हाँ, तो सेफगार्ड से तुम्हारा दोस्त कैसे? औरतों का दोस्त अपना एक्सप्लेन करना. औरतों का दोस्त है, गंदगी का दुश्मन है, और थोड़ा देसी है. ब्राउन ब्राउन देसी. ब्राउन ब्राउन देसी. कोई एक्टर है? तिनका तिनका मिलके बनाता है झाड़ू. झाड़ू. कोई हालात नहीं है फरहान के. गंदी. वाह वाह वाह. अच्छा, नेक्स्ट लव्स है जी ये. ठीक है भाई, बी ने सही आंसर दिया है. okay. मैं जवाब उनके नंबर लगाती जाती हूँ. ठीक है, चलो. जी, आजकल काफी. चलें, एक्सप्लेन करें. एक्सप्लेन करता हूँ और शुरू करता हूँ कि बी ने आंसर दिया पहले का, बहुत अच्छा था. सो बी इज द विनर. ओके, और मेरी हर चीज में हिंट है. और इसके आने से काफी रोशन रोशन चीजें हो जाती हैं. बिजली. बिजली नहीं. बिजली से रोशनी नहीं आती. बिजली बिजली होती है. बिजली कहीं जाती है तो रोशनी आती है. सोचो सोचो, एक एक छोटा सा लफ्ज है जो कोई चीज है जो रोशनी करता है जब उसमें बिजली जाती है. जब उसमें बिजली जाती है वो रोशनी करता. अरे इतना आसान यार. वो देखो, कैंडल. चुप, बिजली कैंडल में कौन है? ये कौन है? ये कौन है? बिजली जाती है तो नहीं. जब बिजली कैंडल में कैसे जाती है? बिजली उसमें जाती है. बिजली जाती है तो वो रोशनी. बल्ब. हाँ, बल्ब. लड़की सी. लड़की सी. लड़की सी ने सही जवाब. सही आंसर दिया. और ये जो कैंडल था ये कौन है? ये कैंडल. लड़की बी. ओके, बी. तो ये है नेक्स्ट लव्स. ठीक है, एक्सप्लेन करना शुरू करें. जी, सुने आप लोग ध्यान से. जी, जोड़ता है ये लोगों को, सुनाता है एक दूसरे की दिल की आवाज. टेलीफोन. हाय. टेलीफोन. बजर की भी बजाया. बजर बजाए बगैर ही जवाब. क्या टेलीफोन? लड़की सी.
वेरी गुड जी. अब यहाँ पे जो है वो नंबर्स बहुत डायरेक्ट डायरेक्ट जा रहे हैं. ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, पूरे पूरे नंबर हैं इसके. ठीक है, चलें एक्सप्लेन करें. जब लगती हूँ मैं जोर से तो आवाज आती है, तो बहुत ध्यान से मुझे इस्तेमाल करो. बड़े बड़े की बड़े बड़ों के बल निकाल देती हूँ मैं. जी क्या चीज? अकड़ अकड़ नहीं नहीं अकड़ निकाल देती हूँ. बड़े बड़ों के बल निकाल देती बल निकाल देती स्त्री स्त्री स्त्री. अब बेल तीनों ने बजाई है तो जवाब जो है वो एक ने दिया है. तो किसका जवाब सही है? ए का. बिल्कुल सही. चले जी नेक्स्ट वर्ड. चले अब आप एक्सप्लेन करें. इसका कम से कम ढंग का एक्सप्लेन कर दें फरहान प्लीज. मुश्किल थोड़ा सा रखूं मैं तो आसान आसान. चलो ओके. इसके लगने से आती है जो होंठों पे मुस्कान. होंठों पे मुस्कान. होंठों पे मुस्कान. इसके लगने से आती है लिपस्टिक. लिपस्टिक बजट पहले मेरा बजा था. बजर पहले हुआ था लेकिन जवाब उन्होंने दे दिया लिपस्टिक. ओके डन. हाँ अगर मैं ना बोलूं तो आपके बोलने पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो समझ सके. ठीक है इसका इसको अब जो है वो हम साबित करते हैं तजर्बे के साथ. जरा इसको एक्सप्लेन करके दिखाएं. आजकल की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत हूँ और सच्चा दोस्त हूँ. क्या है ऊंचा बोलेंगे? आजकल की बहुत जरूरत हूँ और सच्चा दोस्त हूँ. आजकल की इंटरनेट. ओ नो नो नो. आजकल की इन सर्दियों में तुमसे बेहतर साथी कोई नहीं. नहीं आजकल सर्दियों में तो यही दोस्त है. स्वेटर. तुम्हारा साथ हो तो तुम्हें छोड़ने का दिल नहीं करता. तुम्हारा साथ हो तो दिल भरता नहीं तुमसे. फिर वो दोगे कॉफी साथ? साथ सर्दियों का साथ मूंगफली. दिल को रखे नरम और जिस्म को रखे गरम. कंबल. कॉफी. कॉफी. तुम्हें कैसे गैस कर लिया है लड़की? मैं तुम्हें मतलब कौन सा अवार्ड लाके दूं? फरहान मतलब ये क्या तरीका है कंबल को बताने का? दिल को रखता है गरम तो जिस्म को रखता है नरम. अच्छा जी जिस्म को गरम. ये सेशन हुआ खत्म. दिल नरम. अच्छा अब हम करेंगे अपना सरप्राइज खत्म. इसलिए कि हम तीनों लड़कियों को बुलाने लगे हैं पर्दे के इस तरफ. ब्रेक के बाद आप लोग आएंगी अपने अपने मार्किंग आप खुद करेंगी ताकि आपको पता चले कि फरहान ने किस को ज्यादा नंबर दिए. और फिर उसके बाद कुछ और गपशप बड़ी इंटरेस्टिंग सी. रहिएगा साथ. खुशामदी जनाब. फरहान मल्ली आज हमारे मेहमान थे और हमने 2018 में देखा फरहान की सोच उनके ख्यालात में किस तरह की खातून जो है वो बसती है. सी को आपने नंबर दिए हैं. सी नंबर वन है. जरा गेस तो करें इन तीनों में से ए बी सी कौन है? ओके हाँ ए. आई थिंक ए. जो आपको लगता है ना ए है वो उनका हाथ पकड़ के बोर्ड के साथ खड़ा करें. ओके आई थिंक शी इज ए. हूज शी? हाथ पकड़ के खड़ा करना है आपने. शी इज ए. शी इज ए. वाह क्या बात है. Okay, she is very mature. अच्छा, okay. B or C? B or C? जल्दी. Okay. B or C? Okay. I think she is B. You think? I think. Are you sure? Okay, she seems very confident. Like she is B. Are you? She is B. Yes. Okay. What was so special in C? उसका नंबर इतने क्यों दिए? मुझे नहीं पता. उसकी सोच काफी यंग थी और बहुत वो थी मतलब थोड़ी जरा फ्लेक्सिबल थी. सोच कैसी होती है? यंग सोच ऐसी होती है कि कोई प्रॉब्लम उसमें मैं प्रॉब्लम कैलकुलेट कर रहा था कितनी है हर बंदा अपनी तो प्रॉब्लम कम थी. ठीक है सो बाकी सब अपने इमोशंस के मुताबिक जवाब दे रहे थे. okay. जो अभी वो सर्कमस्टेंसेस फेस कर रहे हैं. वेरी गुड. तो किसी को जज करना कोई नहीं है. मेरे ख्याल से सारे विनर हैं. ठीक है. लेकिन ये है कि सी बेसिकली सी इज द विनर. नहीं नहीं नहीं. हां we
विनर वहाँ कब जाएगी? विनर तो इधर आएगी. ओके विनर इधर आएगी. विनर जो है वो इधर आएंगी. ओके अब आपने लव लेटर नहीं लिखा. हाँ जी मैंने. ठीक है तो आपने बोल के एक्सप्रेस कर. बोल के एक्सप्रेस कर. ये रही. मैं असल में बोलने में भी बहुत माठा हूँ. ठीक है जितना अच्छा इन्होंने लिखा हमने देख लिया. तो नहीं मुझे पराठे से जज मत कीजिए. नहीं पराठे से नहीं. पराठे से मुझे मत जज. माशाल्लाह आपने जितना अच्छा एक्सप्लेन किया झाड़ू को और लिपस्टिक को वो भी बहुत काफी है मैं समझाने के लिए. लेकिन अब आपने एक्सप्रेस करना है जो. और सामिया जी आप जज हैं. आपने आपने इसको वो करना है. देखिए मैं अब चूंकि शो का एंड हो रहा है तो बहुत ज्यादा रोमांटिक बातों की बजाय मैं इन सब के लिए इन सब खूबसूरत जितनी भी खवातीन है आप इनके लिए कुछ कहना चाहूँगा. ठीक है और वो मैसेज ये क्योंकि न्यू ईयर भी है एक मौका है. मेरे ख्याल से सब बेस्ट हैं. ठीक है और मेरे अच्छे वर्ड्स अगर डिजर्व करती हैं तो ये सब करती हैं यहाँ पे. इट्स नॉट जस्ट द वन पर्सन. सियासत नहीं सियासत नहीं क्योंकि क्योंकि अगर मैंने इनको भी नंबर दिए अच्छे तो इनमें भी कुछ क्वालिटीज थी. तो इनको दिए तो इनमें भी कुछ क्वालिटीज थी. अगर टोटल आ गए तो. और ये सब सब मेरे ख्याल से सब खवातीन डिजर्व करती हैं. और ये तो एक मौका था. आयशा खास तौर पर कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी शादी हुई है. अभी नई शादी हुई है. एंड शाजमा आप विनर हैं. और सामिया जी आप सदा बहार हैं. 2018 कैसा रहने वाला है? अच्छा इतने लोगों को आपने बता दिया. हाँ एक एक जनरल सा सब स्टार्स के लिए. अच्छा किसका सबसे अच्छा रहेगा? अच्छा सबसे अच्छा ये साल रहेगा स्कॉर्पियंस के लिए. अगर वो शादी करना चाहते हैं स्कॉर्पियंस या दूसरी शादी. अच्छा फिर ये कैप्रिकॉनियंस के लिए साल बड़ा अच्छा रहेगा. सिर्फ शादी के लिए? नहीं नहीं कैप्रिकॉनियंस के काम बेचारों ने बहुत सफर किया है पिछले 2.5-3 साल जो है. तो अब ये वाला टाइम उनके लिए एक अच्छा टाइम आ रहा है. लियोस और एक्वेरियंस जो है इनको बहुत मोहतात चलना पड़ेगा अगर अपने रिलेशनशिप बचाना चाहते हैं. अगर उसमें कोई फ्रिक्शन है तनाव है टॉलरेंस बर्दाश्त के साथ ही टाइम आपको गुजारना है. लेकिन 2018 मजमूई तौर पे मैं इतना कहूंगी कि बहुत सारे स्टार्स के लिए रिलीफ लेके आ रहे हैं. 2000 अच्छा कैंसेरियंस के लिए जो है लव लाइफ में बहुत अच्छा जा रहा है. जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं कैंसेरियंस दी बेस्ट टाइम है. लिब्रा तो, लिब्रा जो है वो इस वक्त किसका स्टार है ये? मतलब क्या आप लोगों के स्टार? हम जनरल पूछ ही रहे हैं. लिब्रा जो है वो अच्छा उनको अपनी दोस्तियों में जरा सा मोहतात रहना पड़ेगा. लेकिन लिब्रा का फाइनेंशियल हाउस अच्छा जाएगा. पैसे को रोलिंग पे डालना है दी बेस्ट टाइम है उसको रोलिंग पे डालने के लिए. वैसे दुआ है अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिए और हम सब के लिए पीसफुल साल लेके आए और इंशाल्लाह ये साल है ऐसा. थैंक यू वेरी मच. इजाजत लेंगे हम आपसे और इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे. उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा. आपकी हर सुख खुशगवार हो. हर खुशगवार सुख का अंजाम बखैर. अल्लाह हाफिज़.